प्रभात अभिभावकगण और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी कक्षा एक में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम लोग दोहराव कार्य करेंगे, जिसका अर्थ है रिविजन। हमने इसे पहले क्लास में सेकेंड टर्म सेकेंड असेसमेंट में पढ़ा था, उसी का दोहराव हम लोग फाइनल एग्जाम के लिए करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन एग्जाम भी दे रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और उसमें चार ऑप्शंस होते हैं, जिसे आपको ध्यान से पढ़ना होता है और कोई एक सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाना होता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं आज के दोहराव कार्य की ओर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वचन, लिंग, पर्यायवाची और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए बच्चों, श्यामपट पर ध्यान दे। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं वचन से दोहराव कार्य। चलिए बच्चों, मैं आपको वचन का एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये है किताब और साथ में मिलकर हो गए किताबें, यानी ये किताब एक वचन है और साथ में मिलने से बहुवचन किताबें। बच्चों, श्यामपट पर ध्यान दीजिए, इनके वचन बदले। दरवाजा, दरवाजे। सूरत, सूरती। मछली, मछलियां। घोड़ा, घोड़े। बूढ़ा, बूढ़े। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है, इनके लिंग बदलें। बच्चों, इस चित्र में आप लोग क्या देख रहे हैं? बालक। क्या है ये? बालक। और इसका स्त्रीलिंग क्या है? बालिका। बालक, बालिका। शिक्षक, शिक्षिका। शिक्षक, शिक्षिका। क्वेश्चन नंबर टू, इनके लिंग बदलें। आदमी, औरत। शिक्षक, शिक्षिका। साधु, साध्वी। शेर, शेरनी। चूहा, चूहिया। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, पर्यायवाची शब्द। बच्चों, समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी कि समानार्थक शब्द। जैसे कि ध्वज, झंडा, पताका, यानी कि ध्वज का पर्यायवाची शब्द झंडा और पताका भी। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, इनके पर्यायवाची शब्द लिखें। आग, अनल, पावक, बालिका, कन्या, लड़की, पहाड़, पर्वत, गिरी,
झंडा ध्वज पताका उपवन वाटिका बगीचा अब आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर। आइए बच्चों कुछ मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूं। ये चित्र आप लोग देख रहे हैं, जो खेती करता है उसे क्या कहते हैं? किसान। जो मिठाई बनाता है उसे क्या कहते हैं? हलवाई। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। तो आइए बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। जो हमारे कपड़े धोता है क्या है बच्चों? धोबी। जो चित्र बनाता है क्या है बच्चों? चित्रकार। जो देश की रक्षा करता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? सैनिक। पक्षियों का घर घोंसला। पशु के रहने का स्थान पशु शाला। बच्चों आज आपने शब्दावली में जो कुछ भी पढ़ा है उसे रफ कॉपी में लिख लिख कर याद करेंगे। धन्यवाद।